न्यूज वर्ल्ड के इस खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तो हला बोल में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरिया की। जी हाँ, आजादी के 70 साल बाद भी कोरिया का बार बांध गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी की मार झेल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है लेकिन इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। 15 साल रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते कई विकास रथ निकाले गए लेकिन सुदूर वनांचल इलाके में विकास की गाड़ी नहीं पहुंची। हालात ये हैं कि यहाँ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों को सरकार से उम्मीदें हैं जो अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। समस्याओं की जानकारी विधायक अंबिका सिंह देव को मिली तो वह भी यहाँ पहुंची और ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली। तो हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ के कोरिया की और हमारे सहयोगी धीरेंद्र विश्वकर्मा इस खबर पे जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, तमाम विकास रथ निकले, लोक स्वराज अभियान चलाया गया, गांव को विकास की राह पर ले जाने की योजनाएं चलाई गई लेकिन क्या वजह रही कि कोरिया का बार बांध गांव आज तक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है? जी, मैं बता दूं आपको कि कोरिया जिले के बारबांध गांव जो जगतपुर ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक 9 है, वहाँ लगभग 3 पहाड़ों को पार करके उस गांव में पहुंचा जाता है। वहाँ ना ही सड़क है ना बिजली है, पीने की पानी की इतनी दयनीय है कि वहाँ एक कुआं है, ढोरी टाइप का कुआं है जहाँ मेढक मरे हुए उस कुएं का पानी ग्रामीण वहाँ के पी रहे हैं। उससे पहले आज तक वहाँ कोई गया नहीं। अभी चुनाव के समय एक बार अंबिका सिंह थे और उससे पहले यहाँ के कैबिनेट मंत्री भैया रजवाड़े गए थे। उसके बाद दोबारा जब अंबिका सिंह थे गई तो वहाँ देखी कि वहाँ कहते कुएं में मेढक मरे हुए हैं, उसका ग्रामीण पानी पी रहे हैं, रास्ता इतनी बुरी स्थिति है कि बरसात के समय लोग पैदल चलेंगे अगर तो वो अपनी जिंदगी साथ धो बैठेंगे। और एक तो बात और है कि वहाँ ग्रामीणों के द्वारा कई बार इसकी सूचना जिले के आला अधिकारियों को दी गई लेकिन आज तक उस गाँव में ऐसे कोई विकास कार्य नहीं किया गया जिससे ग्रामीणों को थोड़ा सा भी फायदा मिल सके। धीरेन्द्र, वजह क्या है? वोट जब मांगना होता है तब कोई भी पार्टी हो वो वहाँ पहुँच जाती है लेकिन जब विकास की बात आती है तो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, योजनाएं बीच रास्ते में दम तोड़ देती हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि 15 साल से भाजपा सत्ता में काबिज थी, वहाँ बैकुंठपुर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री थे भैया लाल राजवाड़े, वो एक ही बार गए, उसके बाद आज तक उन्होंने झांकना पसंद नहीं किया उस गांव में। वही ग्रामवासियों को जब वो पहाड़ से नीचे आते हैं तो वहाँ एक सभा का आयोजन करके उन लोग को आश्वासन बस दिया जाता है कि हम आपके गांव में बिजली ला देंगे, पानी की सुविधा देंगे, सड़क बनवा देंगे लेकिन आज तक ऐसा कोई भी विकास के कोई भी काम नहीं किए गए, सारे दावे खोखले साबित हुए। वही अब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस की जो विधायक अंबिका सिंह देव है वहाँ ये अभी दूसरी बार वहाँ पहुंची है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उस ग्राम में ग्राम को सड़कों से जोड़ा जाए जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को आवागमन में की सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिल सके। धीरेन्द्र, इस गांव की स्थिति के बारे में जरा आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस गांव में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है, कितनी आबादी का ये गांव है क्योंकि ग्राम पंचायत है, यहाँ पर कितने ग्रामीण रहते हैं, क्या आबादी है और क्योंकि वन क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र ये कहलाया जाता है तो यहाँ पर कई सारी दिक्कतें होंगी। जी, मैं आपको बता दूं कि गांव की आबादी लगभग 150 से 200 की आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ वन मार्ग भी बना हुआ है मगर वन मार्ग ऐसा बना हुआ है कि कहते वो बरसात के समय पूरा बह गया है, पगडंडी का रास्ता है, 3 पहाड़ क्रॉस करके इस
गांव में अपन पहुंच सकते हैं। एक तो पूरे जंगलों से रेड है, अक्सर आके कहते हैं हाथियों का आतंक बना रहता है, उसके बाद भी यहाँ विकास के नाम पे। धीरेन्द्र आपको रोकूंगी, धीरेन्द्र आपको रोकूंगी। हमारे साथ रच्चू राम जो सचिव है ग्राम पंचायत के, वो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रच्चू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। रच्चू जी बार बांध गांव की बात कर रही हूँ कोरिया के, जहां पर ये गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, ना पानी, ना स्कूल, ना सड़क, ना बिजली और ना ही अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर रच्चू जी? रच्चू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो उत्तर दें मेरे सवाल का। लगता है उन्होंने फोन काट दिया, सवाल सुनते ही शायद जवाब नहीं होगा। धीरेन्द्र अपनी बात पूरी करें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक स्कूल भवन में प्राथमिक शाला बना हुआ है, वो लगभग 10 साल से जर्जर अवस्था में है। वहाँ बच्चों के लगभग 15-20 बच्चे प्राथमिक शाला के बच्चे पढ़ते हैं। धीरेन्द्र रोकूंगी आपको। रच्चू जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। रच्चू जी बार बांध गांव की बात कर रही हूँ, जहाँ पे ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही स्कूल है, अव्यवस्थाएं हैं। क्या कहेंगे इस पर रच्चू जी? मेरी आवाज सुनाई आ रही है आपको, सवाल सुनाई आया तो जवाब दे मेरे इस सवाल का। रच्चू जी सवाल का जवाब नहीं है या जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं? हमारे दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हमारे साथ सचिव जुड़े हैं ग्राम पंचायत से, रच्चू राम। रच्चू जी पहले बताइए मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ धीरे धीरे आ रही, मध्य 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 आ रही। चलिए उसी में मेरे सवाल को सुन लीजिए। आप ही के गांव की बात कर रही हूं मैं, बार बांध की। यहां पर कोई व्यवस्था है यहां पर पानी की या फिर बिजली की या सड़क की, मूलभूत सुविधाएं हैं इस गांव में? नहीं, पानी की नहीं, बाकी सब की सुविधा है। पानी की सुविधा लाइन की नहीं है? हाँ लाइन नहीं, सेफ्टी टैंक की, पानी की दिक्कत है। हाँ हाँ बाकी तो सड़क तो बनी है। सड़क है? हाँ। अच्छा, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? हम तो इंदौर रहते मैडम जी। हम यानी इंदौर रहने आ रहे हैं। आप इंदौर रहने लगे हैं? हाँ। आप ग्राम पंचायत सचिव है ना सर? गांव में है, मतलब मन बड़े पापा जी गांव में रहते हैं। आप रच्चू जी आप तो सचिव है ना ग्राम पंचायत, आपके बड़े पापा, चलिए मान लिया आपके बड़े पापा गांव में रहते हैं, लेकिन सचिव आप हैं? हाँ है ना। आप सचिव है ना, तो जिम्मेदारी आपकी है नहीं है? सचिव आपकी जिम्मेदारी है गांव के लिए, जिम्मेदारी या वो आपके जी? रच्चू जी सड़क है आपके गांव में? आप जिस ग्राम पंचायत में सचिव हैं वहां पर सड़क है? रच्चू जी इंदौर रहते हैं तो क्या पद से भी आपने इस्तीफा दे दिया है, पद छोड़ दिया सचिव का? चलिए हमारे दर्शकों को बता दें कि रच्चू राम जो सचिव हैं ग्राम पंचायत के, वह अब इंदौर में रहने लगे हैं तो वह अपने गांव नहीं जाते हैं, क्योंकि गांव में उनके बड़े पिताजी रहते हैं, उनके ताऊजी रहते हैं, और उनका ये कहना है कि सिर्फ पानी की वहां पर व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम सुविधाएं इस गाँव में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, रच्चू जी तो गाँव में ही नहीं रहते हैं तो उन्हें पद की जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन उनके पास तो कोई डेटा ही नहीं है, कोई अपडेशन ही नहीं है।
जी मैं आपको बता दूं कि जगतपुर के गांव जो है वार्ड क्रमांक 9 जो बाढ़ बांध वहां सड़क नहीं है, वहां क्या कहते हैं जो वन मार्ग है वो भी बुरी तरह से पानी में बह चुका है, वहां पगडंडी है जो बरसात के समय बच्चे। धीरेन्द्र आपको रोकूंगी। शैलेंद्र शिवहरे सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। शैलेंद्र जी, कोरिया के बाढ़ बांध गांव की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों मील दूर है, ना पीने के लिए पानी, ना चलने के लिए सड़क, ना बिजली और ना ही बच्चों के लिए विद्यालय, और स्वास्थ्य की तो बात ही यहां पर नहीं की जा सकती है। क्या कहेंगे इस पर? देखो मैडम, ये बैकुंठपुर का शुरुआती विधानसभा का शुरुआती गांव है, जगतपुर पंचायत का यात्रित गांव है बारवन, और वहाँ बीच में बिजली के खंभे सरकार के द्वारा गिराए गए थे। निश्चित रूप से वहाँ पर विकास नहीं हो पाया है, पर इन 15 वर्षों में वहाँ पर रोड बनी है जगतपुर पहुँच मार्ग। हेलो, हाँ सर, अपनी बात रखिए पूरी। वहाँ उप पंचायत में रोड, हैंडपंप और स्कूल सभी हैं, किंतु बारबंद उसका आश्रित गाँव है, पहाड़ी है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, और निश्चित रूप से ये कमी है हम सभी। सर सांसद प्रतिनिधि है ना आप? चले जी, जी जी मैडम, सांसद प्रतिनिधि है ना, वोट मांगने तो जाएंगे ना इनके पास? अरे बिल्कुल जाएंगे मैडम, वोट मांगने जाएंगे ना, तब आपको भी तो दिखेगा कि रोड नहीं है, आप भी तो तकलीफों में जाएंगे, आपको नहीं लगता ग्रामीणों को तकलीफ होती है? हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और जब से भाजपा सरकार है तभी से उन गाँवों में देखिए पूर्ण विकास सफल नहीं कर सकते, तो पहले तो जगतपुर पंचायत में जाने का ही रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं था, लाइट नहीं था, तो 15 साल में आप से वहीं तक पहुंचे। इन गांव वालों की गलती क्या थी, क्या इनसे गुनाह हो गया था कि इनके गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई? सरकार की कोई भी एक भी योजना इन तक नहीं पहुंची है। देखिए बहुत ही बुरा अंचल में पहाड़ी पे है, और निश्चित रूप से इसमें दोस्तों है सर, वनांचल क्षेत्र के लिए अलग से बजट आता है ना, वनांचल क्षेत्र के लिए अलग से योजनाएं तैयार होती हैं। बिल्कुल मैडम, आपका है, आप हमारे कोरिया जिले में और सरगुजा संभाग में से बहुत सारे गांव हैं जिन गांव में अभी भी पहुंच मार्ग नहीं है, रोड पुल पुलिया नहीं है, किंतु मोदी जी का जो अभियान था कि हमें सभी गांव तक बिजली पहुंचाना, तो बिजली वहां पहुंच चुकी है। सर बिजली कहां पहुंची? खंबे लगे हैं लेकिन बिजली थोड़ी ना पहुंची, रोड नहीं, बिजली नहीं, और आप कह रहे बिजली खंबे तो आप पहुंच गए हैं 15 साल में, सिर्फ खंबे, विकास रत तो बहुत आंगनबाड़ी भी है वहां पर। सर कितना समय हुआ आपको गांव में गए हुए? दुर्गम क्षेत्र होने के चलते मैडम धीरे धीरे सुविधाएं शैलेश जी कितना समय हुआ इस गांव में आप आखिरी बार गए होंगे? मैं तो हर साल था, बीच में मैं गया था वहां पर शिक्षा गुणवत्ता में, स्थिति देखी थी आपने? नहीं नहीं, मैं गया था मैडम गाँव को, मैं देखा हूँ, आप लोगों ने प्रयास भी किया, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया है, जहाँ पर तो सर प्रयास में कमी रह गई, कोशिश में कमी थी, इसीलिए गांव वालों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, कोशिश में कमी नहीं थी, अगर आपके प्रचार में कमी हुई तो शायद चले जी, अगर आपके प्रचार में कमी हुई और आप एक बार फिर जनता का विश्वास नहीं जीत पाए तो शायद ये वोट देने के लिए घर से ना निकले। मैंने उनसे प्रशासन के द्वारा इस विषय पर बात की जा रही है और उनकी समस्याओं को देखिए दूर करने का प्रयास तो निश्चित रूप से होगा। आखिर कमी कहाँ रही, क्या वजह रही कि इन गांव वालों का विकास नहीं हुआ? समस्या के लिए बात हो रही है, कमी यही थी कि देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, मगर अभी जो भी सुविधा वहाँ पहुंची इन 15 वर्षों में धीरे धीरे पहुंची है। सर 15 वर्षों में क्या पहुंचा है? साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है। वहाँ पर मैडम बोरिंग हुए थे, पानी नहीं निकला, हेडपंप हुए थे, खनन हुए थे,
और एकदम पूर्णता पहाड़ पे वो गांव बसा हुआ है, इसमें सुविधाएं देने में निश्चित रूप से कमी तो हुई है, उसमें देखिए कमी में अपन कहीं कोई वो नहीं। सर विकास रथ निकले थे ना बीजेपी ने, बहुत सारे विकास रथ निकाले थे ना? नहीं, विकास रथ निकले थे, ये विकास ऐसा विकास के लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, गांव की तस्वीर बदलना चाहते थे आप लोग तो। नहीं, इसके लिए दो की पूर्ववर्ती सरकार है ना, कि भाजपा और रमन सिंह। रमन सिंह की भाजपा के सरकार में तो उस समय सुविधा देनी चालू हुई, उसके पहले तो खाली महानगरों में सुविधाएं उपलब्ध थी। सर 15 साल में आप सुविधाएं दे पाते तो शायद आप एक बार फिर सत्ता में होते, 15 साल बाद अगर आपकी सुविधा नहीं पहुंची इसीलिए तो आप सत्ता में नहीं रहे। नहीं, सत्ता में नहीं थे, सही बात है, जनता ने जो आदेश दिया है उसको स्वीकार ही है। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कमी क्यों छूटी, क्यों विकास नहीं हुआ? कमी क्योंकि पहाड़ी इलाका था ये, इसीलिए यहाँ पर चीजें नहीं पहुंच सकी। वनांचल क्षेत्र के लिए अलग से योजनाएं तैयार होती हैं, उन पर क्रियान्वयन नहीं होता, या ये वजह है, या फिर नियत नहीं थी कि ग्रामीणों का विकास किया जाए? ऐसा नहीं, अगर विकास नहीं करने का रहता तो रमन सिंह जी के राज्य में जो लोगों को सुख सुविधाएं मिली, ठीक है, पूर्ण रूप से अपन वहां तक नहीं पहुंच पाए। लोगों को राशन लेने नीचे आना पड़ता है, जगतपुर पंचायत का ही गांव है, लाइट पहुंची, बोरिंग हुए, खनन हुए, स्कूल बना, आंगनबाड़ी बना। हेलो शैलेश जी, जवाब तो दीजिए, आप तो घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं इस पर। शैलेश जी, गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, उसके बाद आप वोट मांगने जाएंगे? हमारे दर्शकों को बता दें कि शैलेश शिवहरे जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उनका जवाब जिस तरह से आ रहा था उससे उनकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी, झलक रही थी कि वो गांव का विकास चाहते हैं या नहीं। अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने बातें की हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। के बार बांधा गांव की, जहां ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम नजर आ रहा है। यहां पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की विकास के लिए कई घोषणाएं हुई थी, कई योजनाएं चलाई भी गई थी, लेकिन इन योजनाओं का लाभ आज तक इस गांव के ग्रामीणों को नहीं मिला है। 15 साल पहले रमन सिंह की मुख्यमंत्री रहे और कई विकास रथ उन्होंने निकाले थे। 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ पर राज किया, शासन किया, लेकिन इस सुदूर वनांचल इलाके में विकास की गाड़ी उनकी नहीं पहुंच पाई थी। हालात यहां पर बद से बदतर हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां पर नहीं है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र एक बार फिर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, शैलेश शिवारे जी हमारे साथ जुड़े थे, सांसद प्रतिनिधि, लेकिन उनके जो जवाब थे उनसे ये बात साफ झलक रही थी कि उन्हें ग्रामीणों की चिंता तो कम से कम नहीं है। धीरेन्द्र जी, जी मैं आपको बता दूं कि हमने जब गांव में, जब हम लोगों ने 3 पहाड़ क्रॉस करके जब गांव में पहुंचे तो वहां स्थिति इतनी बुरी है कि जो स्कूल है वो भी जर्जर हो चुका है। स्कूल के नाम पे जो फंड आया वहां नींव खुदी हुई है लेकिन भवन आज तक नहीं बना। वही जब इस बारे में हमने शासन प्रतिनिधि से भी चर्चा की, उनके द्वारा कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, विकास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, लेकिन सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बनी हुई है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, विधायक कांग्रेस के, अब अगर इस गांव का विकास होता है तो ग्रामीणों को एक अच्छी वो रहेगा, लेकिन वही देखने वाली बात है अभी तक तो कोई भी ऐसी कोई पहल नहीं की गई उस गांव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इस खबर को दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही रच्चू राम जो सचिव थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी गैर जिम्मेदारी को दिखाने के लिए और उसे साफ झलकाने के लिए। और साथ ही शैलेश शिवहरे जो सांसद प्रतिनिधि थे
उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हलाबोल में आज हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के कोरिया के बारबांधा गांव की, जहां पर मूलभूत सुविधाओं से गांव आज भी महरूम दिखाई दे रहा है। यहां पर लोगों के पास पीने के लिए पानी, बिजली और सड़क और साथ ही बच्चों के लिए स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हालांकि बड़े बड़े वादे और दावे जरूर किए गए, विकास रथ भी निकले, लेकिन वो विकास रथ इस गांव तक नहीं पहुंच पाए। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस गांव में विकास पहुंच पाता है या फिर नहीं। हलाबोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया जिसमें है नीम और